नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई जगह इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। इसी बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए दरियादिली सामने आई है। उन्होंने मुशर्रफ को भारतीय नागरिकता देने की बात कही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद हम फास्ट ट्रैक के आधार पर उन्हें नागरिकता दे सकते हैं। मुशर्रफ क्योंकि दरियागंज से हैं और उस समय पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। खुद को हिंदुओं का वंशज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्य हैं और उन्हें नागरिकता दी जाए। गौरतलब है कि लाहौर की अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुना दी है। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। ये मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है, जो दंडनीय अपराध है। बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसने इस मामले में 3 महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच की और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया है। उन पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।